गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट गुजराती एंड पोएम नंबर 9 है ये भी, और नाम है आभार मतलब थैंक यू। हम इस दुनिया में हमेशा उठकर 3 टाइम थैंक यू हमें ईश्वर को कहना चाहिए। फर्स्ट थैंक यू, फर्स्ट आभार कि हे ईश्वर, तुमने वापस से इस रात के अंदर मुझे मृत्यु के मुख तक, द्वार तक न ले जाकर एक नया जीवन दिया, सो थैंक यू। दूसरा थैंक यू कि तुमने मुझे माता पिता के साथ वापस से दुनिया जीने के लिए दी, थैंक यू। तीसरा कि ये दुनिया और मेरे मित्र, मेरे गुरुजन, मेरे प्रियजन के साथ मुझे ये दुनिया जीने के लिए दी। तो आभार इस दुनिया की सबसे छोटी प्रेयर है, और ये प्रेयर हमें आज के कवि, जिसका पूरा नाम है नटवरलाल कुबेरदास पंड्या, उपनाम यानी कि पैन नेम या पैट नेम इज अ उष्णस जी है, वडोदरा जिला ना सावली गांव मा तेमनो जन्म थयो, अध्यापक और आचार्य के हिसाब से कार्य किया, प्रसू नेपथ्य आद्रा मनोमुद्रा तुणनो ग्रह स्पंद अने छंद किंकणी भारत दर्शन अश्वस्थ रूपनालय व्याकुल वैष्णव पृथ्वी ने पश्चिम चेहरे अने शिशुलोक, ये उसके बहुत ही बेहतरीन काव्य संग्रह में से एक है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ाई करते जाएंगे, गुजराती के अंदर जब भी आपकी पोएम कॉम्प्रिहेंशन आती है तो ज्यादातर इसी पोएट की होती है, तो याद रखिएगा ये बहुत ही बेहतरीन लेखक में से एक है, और वही कारण है कि 2 बेहतरीन अवॉर्ड यानी कि रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक एंड दिल्ली साहित्य अकादमी अवॉर्ड, ये 2 बड़े ही महत्वपूर्ण अवॉर्ड हमारे उष्णस जी को प्राप्त हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की पोयम, पर पहले समझते हैं पोयम का साहित्य प्रकार। इस पोयम का साहित्य प्रकार है दैट इज सोनेट। खास याद रखे किस तरह से लिखा जाता है, आप इसको 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस करिएगा कि इसके अंदर जिस तरह से डॉक्टर में डो लगाया जाता है, इस तरह से सौ लगाया जाता है। तो इस काव्य का साहित्य प्रकार क्या रहेगा? सोनेट। क्यों सोनेट कहते हैं? कि ऐसी पोएट्री, ऐसी पोएम जिसमें 1/4/14 14 पंक्ति यानी कि 14 लाइन में ही लिखना चाहिए, ना एक भी ज्यादा ना एक भी कम, उस तरह से जो पोएम लिखी जाती है उसको सोनेट कहते हैं। एंड सोनेट लिखने में आधुनिक यंत्र युग के सबसे बेहतरीन लेखक में से एक है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं हमारे कविवर, एंड फिर उसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी देख रहे हैं। अमे तो आकाशो भणी पीठ करी ती भीत तणी, अरे सारू छे के हजू पण अमारा घर मही, घणे उंडे उंडे उड़ती उड़ती आवे भीतरे, गूथे छे माळाओ कबूतर कपोतो अने चकलियो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 4 लाइन अभी पढ़ी, ठीक है, 1, 2, 3, 4। अब ये 4 लाइन का ग्रुप होता है, लास्ट में 2 लाइन के अंदर उसका मोरल दिया जाता है ना। तो 4-4 लाइन के अंदर 3 टाइम देंगे तो 12 हो जाएंगे, एंड लास्ट में 2 तो हो गए 14 लाइन, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि हम जो मनुष्य जाति है वो थोड़ी सेल्फिश है ना, स्वार्थी है, और हमें जो भी मिल जाता है हम भगवान को आभार मानना भूल जाते हैं। जैसे आप देखो घोंसला देखोगे पंछियों का, उसका ज्यादातर ऊपर का हिस्सा खुला रहता है, जबकि हमारे पास, हमने गुफा में रहना सीखा, फिर हट यानी झोपड़ी में रहना सीखा, कच्चा मकान, पक्का मकान, बिल्डिंग, और ऐसी गगनचुंबी इमारत हमने बना ली है कि हमने हमेशा भगवान को थैंक यू कहने की जगह उस भगवान का जो आसमान है उसकी ओर हमने क्या बना दी है? भीत बना दी है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर हमें प्रकाश है, ऊर्जा है, लाइट है, पानी है, हवा देता रहता है, वहां से जो आने की चीज है वहां पर हम भीत खड़ी कर देते, दीवार खड़ी कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पर फिर भी ये एक अच्छी बात है कि हमारे साथ हमारे फ्रेंड यानी कि कबूतर, कपोत, चिड़िया हमारे साथ है, और अभी भी हमारे घर के अंदर एक छोटा सा आसमान बना रहे हैं। लईने आवे छे गगन घरनी अंदर मिश वड़ी,
અમે સૌ આભારી છીએ, ઋણી છીએ કે અમારા ઘર કે અંદર અભી ભી જબ તક હમારે ફ્રેન્ડ કબૂતર કપોતો ચકલા હૈ તબ તક હમારા જીવન ઇસ ઈશ્વર કો આધીન રહેગા। हमारे सर के ऊपर, हमारे रसोड़े के अंदर छोटे छोटे तिनकों के द्वारा कभी ची ची ची, कभी टहुका करते हुई, अपने पीछे यानी कि फैदर्स को बिखेरती हुई इधर से उधर कबूतर चिड़िया आती रहती है। सो हमारा मन बना रहता है। आज भी हमारे घरों के अंदर हमारी नानी दादी हमें हरी भरी खूबसूरत सी परी कथाएं सुनाती रहती है और ये परिकथाएं हमें इंस्पायर करती है कि हमें और ऊपर आसमान तक जाना है। देखो, एक नानी और दादी ने हमें कहानी सुनाई रामायण की। मैं जब छोटा था तो मेरी नानी ने मेरे को सिखाई थी कहानी कि वो देखो आसमान के अंदर चंद्रमा है और उसके अंदर एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी और एक बकरी है। बस यही कहानियां शायद बहुत सारे साइंटिस्टों को सुनाई होगी। उसमें से एक साइंटिस्ट ने रॉकेट प्लेन बनाया कि चलो देख के आते हैं कि क्या सही में वहां पर क्या कोई बुढ़िया है, छोटी सी झोपड़ी है, बकरी है। तो कहते ना कि कल्पना अपनी जगह होती है, वास्तविकता अपनी जगह होती है, पर जब तक कल्पना नहीं करोगे तब तक आप वास्तविकता तक तो पहुंच नहीं पाओगे। हमारा जो मूल है वो आदिम जाति के है। हम आज भी जहां से भी मंदिर या मस्जिद के पास से निकलते हैं हमारा सर झुकता है, हमारे दादा दादी के पास हमारा रिस्पेक्ट होता है। भले हमारे कंपाउंड के अंदर अच्छे से खूबसूरत से पौधे हैं, घर के अंदर प्लास्टिक प्ले फ्लावर होंगे, आपको 5 दिन की अगर छुट्टियां मिल जाए ना तो आप प्रकृति की गोद में ही जाना चाहोगे, इधर उधर कहीं पर नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात हमें इस पोएम में बताना चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। घर में थोड़ू आकाश लेने कौन आवे छे, तो उसका आंसर है कबूतर कपोत एंड चकली। भीतनी तिराड़ में थी कौन बाहर आवे छे, तो तृण यानी कि घास। आज भी उसके अंदर हमारा जमीन जिंदा है। कवि ने शू गमे छे, कवि ने माटी ना वन मा आदि मूड़ो रहला छे वो उसको अच्छा लगता है। आभार का साहित्य प्रकार क्या है, तो कि सोनेट। कवि आकाशमणि मानवीय शू करीने भीत चढ़ी छे, तो पीठ करीने, शायद हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं जो हम पीठ धर रहे हैं ना। भीत का मतलब होता है दीवार और पीठ का मतलब होता है बैक साइड। घर मां माड़ो कौन गुथे छे, चकली कबूतर एंड कपोत। कवि कोने रूणी मतलब आभारी छे, तो कि हम सबके आभारी है इस चकली कबूतर सबके आभारी। ठीक है, चकली चीची करता केवा पीछा खेरवे छे, तो मलमल के होते उसको मलमली ऐसा कहते हैं। ठीक है, परिकथा कहवा कौन आवे छे, तो वन की लीली नाम की एक बर्ड होता है वो हमें सुनाती है। हवा मां दूर मन मां खरे छे, तो परण यानी कि पत्ते गिरते हैं। भीतनी तिराड़ मां थी पूछा गाछा बिना फट दई ने बाहर कौन निकले छे, तो घास फूस। जहां पर कुछ भी नहीं रहता ना, आप देखना अपने आप से घास फूस निकल ही आता है। तो आज भी हमारे घरों के अंदर जो ये घास फूस है वो हमारे साथ देता है, ये कहना चाहते हैं। वन्नी माटी में हजू शू रहलू छे, तो अभी भी पुराने मूल यानी कि पुरानी बातें अभी भी है जो हमेशा घास उग के हमें बताते रहते हैं। हजू वाड़ छोड़ पर शू नथी खिलेलू हम कभी कहे छे, तो अभी भी हमारे कंपाउंड के अंदर प्लास्टिक के फ्लावर नहीं उगे है, भले घर के अंदर हो पर हाँ हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में, डेस्कटॉप पे हमेशा प्राकृतिक दृश्य ही दिखाई देते हैं क्योंकि हमें प्रकृति ही अच्छी लगती है ना। नटवरलाल कुबेरदास पंड्या नो उपनाम शू छे, दैट इज उष्णश। नाउ टू लाइन आंसर्स है। अमे सौना ऋणी एवं कवि शा माटे कहे छे, तो कवि कहे छे कि अमे बधाना आभारी छे, गरमा कबूतर होला चकली आवी पोताना माळा गूथे, ए बहाने जाने थोड़ो आकाश घर में आवे छे ऐसा लग रहा है। आथी पक्षियों कवि ने ऋणी मतलब आभारी मानते हैं। हमें आकाश तरफ शू चढ़ी लीधु छे, कवि कहते हैं कि मानसो ये प्रकृति ने विमुख थता जाइए छे, अने आथी हमें आकाश भणी पीठ करीने भीत चढ़ी हो यानी कि दीवाल चढ़ी हो, दीवाल बना रखी हो ऐसा लगता है। भीत माथी पूछा वगैरह शू निकले छे, तो दीवाल में से पूछा वगर फक करीने तृण यानी कि घास उगी निकले छे।
અને તૃણ ઘાસ એટલે કે ભીતની તળમાંથી નીકળે ત્યાં જરી કરી અને ઉગી પણ જાય છે. નાઉ દેખતે હૈ ટુ લાઇન આન્સર મે ઓર ઘરની ભીતર કોણ કોણ આવીને માળા ગૂંથે છે તો બહુ ઇઝી આન્સર હૈ કબૂતર ચકલી હોલા વો સબ. ઠીક હૈ કવિ અંતમાં આભારની માંગણી કેમ વ્યક્ત કરે છે તો આભારની લાગણી એટલા માટે વ્યક્ત કરે છે કે આજે પણ વાડ અને છોડ એની પર આજે પણ પ્લાસ્ટિકના ફૂલો ઉગતા નથી. માણસ ભલે કિતના ભી ચેન્જ હો જાય પર ફિર ભી ઉસકો પ્રકૃતિ કે ગુણધર્મ હંમેશા અચ્છા લગા હૈ ઓર લગતા હી રહેગા. નાવ લોંગ આન્સર એક હી હૈ ઇસકે અંદર, ઇસકો અચ્છી તરહ સે લિખિયેગા. હંમેશા પહેલે કવિ કા નામ લિખના હૈ, શ્રી નટવરદાસ કુબેરદાસ પંડ્યા, તેના દ્વારા રચનાબદ્ધ કરવામાં આવેલ આ કાવ્ય યાની કે આ સોનેટ ક્યા નામ હૈ આભાર, તેમાં પ્રકૃતિ વિશે ખૂબ જ સુંદર રીતે વર્ણન કરેલ છે. फिर इसका ये पूरा आंसर आप लाइन वाइज पॉइंट वाइज आप कर सकते हो. ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले घर के बारे में बताओ, फिर पंछियों के बारे में बताओ, फिर परी कथा लिखो, फिर घास फूस के बारे में बताओ, फिर हमारे घास फूस जो हमारे घर में उगते हैं वो, एंड लास्ट में प्लास्टिक के फ्लावर. तो आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस आप लाइन वाइज कर दो इसको के कबूतर के नाम होले पंछियों के नाम लिख लो, फिर रसोड़े के बारे में थोड़ी बता दो, परिकथा बता दो, तो आप इजीली इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो. तो जो जो भी मेन वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करिएगा. ठीक है, तो इसको लर्न करके फटाफट से आप लिखना, एक बार लिखना बहुत जरूरी है. नाउ मीनिंग्स है, आकाश का मतलब होता है गगन, घर मतलब निकेतन, ऋण मतलब करज, शीर बोले तो मस्तक, पर्ण यानी पान, फूल यानी पुष्प, कपोत यानी कबूतर, वन यानी जंगल, ऑपोजिट भीतर बाहर यानी कि अंदर बाहर, आकाश धरती लीली सुखी, इन तड़पदा देशी शब्द, भणी का मतलब होता है तरफ उस तरफ, परण मतलब पान, भीतर मतलब अंदर, और मिश मतलब होता है बहाने. तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर हाँ अच्छा कार्य का हमेशा पहले मजाक उठता है, फिर लोग उसका विरोध भी करते हैं, पर हाँ अच्छी बात हमेशा अंत में स्वीकारी की जाती है. और अच्छी बात यह है कि अभी भी हम प्रकृति के साथ है, नेचर के साथ है, और आप हमारे साथ हो. तो कैसा लगा आपको काव्य, कोई भी आपको प्रॉब्लम से नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज मुझे बताएगा, और अगर आपको समझ में आया है तो शेयर करिएगा. ये एग्जाम के लिए स्पेशली आपके लिए बनाया है, तो सबके पास जरूर इसको पहुंचाओ ताकि वो लोग भी समझे एंड लर्न करें. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. और आपको इसकी एग्जाम में कितने मार्क्स आए मुझे जरूर बताना. बाय बाय. आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी.